काफी दिन से चल रहा था अवैध शस्त्र फैक्ट्री, पर ये काला धंधा, वही उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। कौशाम्बी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर कौशाम्बी पुलिस ने छापा मारा है और एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है कौशाम्बी पुलिस को। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कौशाम्बी पश्चिमी शरीरा पुलिस ने एसपी हेमराज मीणा के निर्देश में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़ और मौके से तीन अभियुक्त को अवैध शस्त्र बनाने के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। थाना अध्यक्ष शरीर भवानी सिंह ने मैं हमराई पुलिस बल द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात उन्हें न्यायालय भेजा है। देखिए, आज थाना पश्चिम सरेरा के अंतर्गत ग्राम चक गुरैनी से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम मोतीलाल पुत्र देशराज है, एक चंद्र भवन पुत्र उंजीत है और राजेश कुमार मोतीलाल। इन तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से तीन अदद तमंचा, जिसमें से दो तमंचा 315 बोर का है और एक 12 बोर का है, छः अदद जिंदा कारतूस, जिसमें दो अदद 315 के हैं और चार 12 बोर के कारतूस हैं, आठ खोखा कारतूस मिले हैं जिनमें से दो 315 के हैं और छः 12 बोर के हैं। इसके अलावा शस्त्र बनाने की जो सामग्री है, जिसमें खराद हैं और ड्रिल मशीन है, जो पंखा है, स्टैंड, तमंचे की नाल और तमाम जो अन्य जो सामग्री होती है जो तमंचा बनाने के लिए काम में आती है, इनके पास से बरामद हुई है। और एक इनके पास में एक अद्दा भी बरामद हुआ है, जो कि जो छोटा हथियार होता है, मीडियम साइज़ का, जो तमंचे से बड़ा, ये इनके पास से बरामद हुआ है। और जो पूरा जो बनाने का जो सामान है वो भी बरामद हुआ है और इन लोगों द्वारा ऑन डिमांड ये लोग शस्त्र बना के और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को बेचते थे, तो आज ये गैंग का पूरी का इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध 3/25 और 5/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों लोगों की गिरफ्तारी करके इनको आज जेल भेजा जा रहा है। और इस कार्य के लिए जो थाना पश्चिम सरेरा की जो टीम है, इसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है।